नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री, जैसा कि आप जानते हैं मैं हर बार किसी न किसी कलाकारों से आपको रूबरू करवाता हूँ। आज मैं एक युवा पीढ़ी जो देश की धरोहर है उन कलाकारों से आपको रूबरू करवा रहा हूँ जो कॉलेज में अलग अलग देश के कोने कोने से पढ़ के आए हैं। अभी उन्हीं से बातचीत करवाता हूँ कि वो ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में आए हैं और दिल्ली पूरे भारतवर्ष की राजधानी है, उनको यहाँ कैसे लगा और वो क्या करना चाहते हैं। अभी मैं एक युवा कलाकार से आपको रूबरू करता हूँ। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरभि शर्मा है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे यहाँ पे एक साल हो चुका है। यहाँ पे दिल्ली में काफ़ी सारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, आर्टिस्ट के लिए जगह हैं, तो ये काफ़ी बड़ा एक और स्टेट से इधर चेंज है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनम अशरफ है, मैं अलीगढ़ से हूँ और दिल्ली में मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि अलीगढ़ में आर्ट को लेके इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। नूर फातिमा, मैं जामिया की स्टूडेंट हूँ और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मुझे वहाँ और यहाँ पर ये फ़र्क लगा कि कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अपना, बिना कॉपीड वाला जो काम होता है, कॉन्सेप्ट समझना, चीज़ें चेंज करना, अपना काम होना चाहिए, डिफरेंट लगना चाहिए, जो बहुत अच्छी बात कही। आपका? मेरा नाम चेतन वर्मा है और मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ। मैं मास्टर्स जामिया से कर रहा हूँ और मेरा कॉन्सेप्ट ह्यूमन नेचर है। मैं ज़्यादातर मेटल पे, वुड पे और स्टोन पे वर्क करता हूँ और अभी हम देवी सर से मिलने आए हैं गड़ी स्टूडियो। आप रीजनल सेंटर में बहुत देर से, बहुत पहले से, बहुत पहले से जी। और आपके पूरे परिवार में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और आप स्कल्पचर में काम कर रहे हैं जी। अभी मैं आगे रूबरू करवाता हूँ। आपका क्या नाम है? रोहिना सिंगर। रोहिना सिंगर, आप कहाँ से हैं? आगरा से। आगरा से है और दिल्ली में आप कब से आई हैं? इसी साल दिल्ली में मास्टर्स करने, स्कल्पचर से। जामिया से आप मास्टर कर रहे हैं, तो क्या सोच के आए थे आप दिल्ली में? हमारे कॉलेज से कंपेरेटिवली 1000 times ज़्यादा अच्छा काम यहाँ का है, तो इस वजह से। अभी आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल है और मैंने बैचलर की पढ़ाई बीएचयू से किया है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर की डिग्री ले रहा हूँ। और मेरा जो काम करने का मीडियम है वो मेटल और वुड और स्टोन, मतलब लेकर काम कर, अलग अलग डिफरेंट मीडियम में काम करना चाहते हैं। हाँ, और जहाँ परिवर्तन के लिए आए हैं कि क्या चेंज होगा जी? यहाँ पे आने का मतलब यही है कि हमें कुछ अलग माहौल मिले काम करने का, और ये सोच के मतलब यहाँ पे हमने जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया और यहाँ पे अपना स्कल्पचर को बनाया। आपका क्या नाम है? मैं संदीप वर्मा, बीएचयू से हिस्ट्री पार्ट में मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। फिलहाल मैं जो है यहाँ पे घूमने के पर्पज़ से आया हूँ। अभी कुछ दिनों बाद आर्ट फेयर का आयोजन भी होने वाला है और दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सेंटर भी है आर्ट्स के अलग अलग फील्ड्स के एक्सप्लोरेशन का। और यहाँ पे फिलहाल मैं गड़ी स्टूडियो में जो है तमाम सारे आर्टिस्टों से रूबरू हो रहा हूँ। धन्यवाद। आप अलग अलग जगह से आए कलाकारों से मैंने आप लोगों को रूबरू करवाया। अगली बार मैं फिर किसी नए कलाकारों से आपको रूबरू करूँगा। तब तक देवीदास खत्री को दे जाए, वंदे मातरम, भारत माता की जय।